उपमंडल जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत रूपा पधर के अंतर्गत भटवाड़ी बदन मल्लन नकेहड़ सड़क कार्य से गांव भटवाड़ी के लोगों में कड़ा रोष है। गांव के लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा भटवाड़ी बदन मल्लन नकेहड़ सड़क कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क के साथ ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे पहाड़ियां दरक रही हैं। गांव भटवाड़ी निवासी जीवानंद का कहना है कि यह एक स्लाइडिंग एरिया है तथा पहाड़ियां दरकने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके चलते कई गांव इसके चपेट में आ सकते हैं। इस संबंध में गांव भटवाड़ी निवासी सेवानिवृत्त एसडीओ ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि हमने विभाग को इस बारे में कई बार अवगत कराया, किन विभाग के कान में जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने विभाग से अपील की है कि इस अवैध सड़क निर्माण कार्य को रोका जाए कि भविष्य में कोई बड़ी घटना न घट पाए। इस बारे में लोक निर्माण विभाग जोगिंदर नगर अधिशासी अभियंता संजीव सूद ने बताया, उन्होंने बताया कि यह जो सड़क पर काम चला हुआ था उसे रोक दिया गया है। वह लोक निर्माण विभाग का काम हमारी अप्रूव लाइनमेंट से चल रहा है, जिसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस ले ली गई है। मैं शंकरदास, गांव बटवाड़ी। हम यहाँ इकट्ठे हुए पूरे गांव वाले, क्योंकि ये जो सड़क निकाल रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, और ठेकेदार शेर सिंह है, बदल के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन तीन जगह से उन्होंने सड़क निकाल दी, और ये स्लाइडिंग एरिया सारा नीचे गिरने वाला है। एक बड़ी चट्टान है, ये भी गिरेगी नीचे और गाँव को तबाह कर देगी। इसलिए हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट किया, बहुत बार बोला, लेकिन इन्होंने एक नहीं मानी। और आज भी इन्होंने ये सिविल लगाई हुई थी, जैसे कोटरोपी में हुआ ऐसा वैसा हो सकता है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये इस काम को बंद कर दो। प्रशासन को भी हमने बोला, एसडीएम साहब को भी मैंने तो फोन किया, बताया मैं एसडीएम साहब को, वो बोलते हैं मेरा क्या काम है इसमें। तो इसलिए आप सख्त से सख्त इसमें एक्शन लेने की कृपा करें, और इस पीडब्ल्यूडी के ऊपर जो सख्त एक्शन लिया जाए, खास करके जेई के ऊपर। जेई ने कैसे बार बार इधर से उधर से और तीन जगह से निकाल दिए है। बस गांव बटवाड़ी से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ कुछ ठेकेदार वगैरह ऐसे रोड कभी इधर से निकाल रहे, कभी उधर से निकाल रहे, गांव वालों को ऐसे पत्थर गिरने की संभावना हो गई, ये खतरा बहुत ज़्यादा हो गया। कल को स्लाइडिंग एरिया है, कोटरोपी की तरह हो जाएगा, तो कौन इसका जिम्मेदार है? गांव के घर के ऊपर गिर जाए पत्थर, इतना बड़े पत्थर है यहाँ, चट्टान बता, बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी चट्टान है यहाँ खड़ी हुई। विभाग से डिमांड करते हैं कि कल को ऐसे खतरा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे तो डंगरे यहाँ चराने आते हैं, चिल्लू भी ढूले के आते हैं, कहीं पत्थर गिर गया उनके ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है इसका? इससे हमें विभाग से यह है कि कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि इस काम को बंद किया जाए, बस ये हमारी। ये जो सड़क है गड़ू बटवाड़ी मल्लन नकेड़ और इसके साथ बदन के लिए जो सड़क बन रही है, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से नहीं बन रही है। पिरोली विभाग जो है बिना मतलब एक प्री प्लान के सड़क नहीं बना रहा है। जहाँ भी ठेकेदार हैं, जहाँ भी मर्जी होती है, वो फॉरेस्ट से पत्थर निकाल रहे हैं और खान बना दी है। माइनिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल कोई ये नहीं कर रहा है, कभी उन्होंने रोका नहीं। सेकंड जो है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। और थर्ड जो है पीडब्ल्यूडी, ना कोई जियोलॉजिस्ट की ऐसी रिपोर्ट है, और ये हूबहू जो है कोटरोपी का जो सीन है वो दोहराया जाएगा। यार ये सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं इसमें, और हैरानी की बात है, पता नहीं क्यों नहीं ये कोई भी डिपार्टमेंट कभी नहीं नहीं ले रहा है इस का है। इससे पहले भी कई बार लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन कोई भी इस बात को बिल्कुल समझ नहीं रहा है। और ये जो है तो एक त्रादसी बनेगी, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए। रॉक्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एक भी रॉक ऊपर से चलेगी तो वो जो है तो उसके धमाके से ही गांव के मकान वैसे गिर जाए। के अगेंस्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठेकेदार ये भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये है मेरा कहना है। जी सर, इसके बारे में मैंने अभी जी थी, एक पीडब्ल्यूडी का जो काम चल रहा है वो हमारी अप्रूव्ड अलाइनमेंट पे चल रहा है, उसकी हमने फ्रेश क्लियरेंस ली है, लोगों की एनओसी है उसमें, उसमें ऐसा कोई नहीं है। फिर भी मैंने अब है तो काम को रोकने के लिए बोल दिया गया है, जबकि दूसरी जगह के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के कहने पे कोई कटिंग नहीं हुई है, वो ठेकेदार ने अपने लेवल पे
फ्रेस्ट में पत्थर निकालने के लिए कटिंग की है जी। तो जे अभी मौके से आया, अभी 10 मिनट पहले मेरी बात हुई जी। तो फ्रेस्ट वाला उसको वहाँ चलान कर दिया। हमारा कोई नहीं, हमारी अपनी अलाइनमेंट एक ही जगह काम कर रहा था, काम जो है वो भी अभी रोक दिया। ठीक है, ठीक है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष शेरी की रिपोर्ट।